हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी बनने के बाद रजनी पाटिल एक बार फिर से प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरान उनका 7 जिलों में जाकर सम्मेलनों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसी कड़ी में रजनी पाटिल बैजनाथ पहुंची, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बैजनाथ पहुंचने पर उन्होंने लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की, साथ ही रजनी पाटिल ने बैजनाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। यहाँ पे हिमाचल में हाल ही में प्रभारी करके मुझे और मेरे साथ में गुरकिरण सिंह जी जो कि एससीसी के सेक्रेटरी ग्रामीण और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत करके हम अभी मंडी और 7 दिन का पूरा दौरा लगा के 6 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे और अगले 8-10 दिन के बाद और बाकी के डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। फिर हम ग्राउंड रिपोर्ट हमारे हाईकमांड को दे देंगे और उसी के अनुसार आगे चल के हम हर ब्लॉक लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे, जिसका लक्ष्य हमने रखा है कि बुनियाद 2019 वहाँ पर हम हमारे बूथ का काम कैसे चल रहा है, हमारे ब्लॉक में क्या परिस्थिति है, हमारे संगठन का क्या काम है, वो सब देखेंगे। और उसी के साथ साथ हम हर हमारे जो फ्रंट का ऑर्गेनाइजेशन है, जो महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, NSUI हो, SC ST हो या प्रोफेशनल कांग्रेस हो, उन सब लोगों की हम एक मीटिंग शिमला में करवाएंगे। इससे पहले हमारे सभी वर्ग जागरूक हो जाएंगे और काम पर लग जाएंगे। तैयारी का पहला हिस्सा कितना लक्ष्य लेकर चल रहे हैं आप? 4 बजे से 4 कांगड़ा की बात करें तो जीएस वाली या सुरेश शर्मा? अभी ये जिसका चुनाव चयन करना है वो अधिकार हमारा नहीं है। हम रिपोर्ट देंगे और ये हमारी एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है, CEC जिसको बोलते हैं। आपके लेवल की जो बात हो रही है उसमें क्या लग रहा है? अभी तो सब मिल रहे हैं, हम बहुत प्राथमिक रूप में सभी को मिल रहे हैं, सभी का कहना सुन रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। तो इनका जब कुछ रिपोर्ट आएगा वो हम हाईकमांड को सपोर्ट करेंगे। युवा मुख्यमंत्री थे, उम्मीदें थी, आशाएं थी, लेकिन 6 महीने में जिस प्रकार का प्रशासनिक क्षमताओं का अभाव इस सरकार में देखा गया, वैसे पहले कभी नहीं देखा गया। शिमला में पेयजल संकटम में हमेशा से होता आया, हमारे समय में भी था, लेकिन ऐसा पेयजल संकट जिसमें पूरे विश्व में शिमला का नाम बदनाम हुआ, ये उनकी प्रशासनिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। पहली बार हिमाचल के इतिहास में कोई सरकारी अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालना करने के लिए जाता है उसकी हत्या कर दी जाती है, ऐसा पहली बार देखने को मिला। 100 के करीब आपराधिक मामले दर्ज किए गए, उसमें से 65 छेड़छाड़ बलात्कार की घटनाएं हुई और 35 के करीब हत्या हुई। तो ये जयराम सरकार जी ने जो स्वतंत्र का झंडा था, क्या है ये चीज़ें इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या उन्होंने को अपने एजेंडे में शामिल नहीं किया गया था? और जयराम सरकार में कई प्रकार के पावर सेंटर सचिवालय में बने हुए हैं, आदेश जयराम जी कर रहे हैं या कोई और कर रहा है ये समझ नहीं आता। एक एक जगह 10-10 आदेश हो गए हैं, एक मंत्री दूसरे मंत्री पट्टी पर नहीं करता है। इस प्रकार की सरकार दिशाहीन सरकार सत्ता को चला रही है और हमारा दायित्व विपक्षी पार्टी होने के नाते ये है कि 6 माह में जयराम सरकार को 6 दाग लगे हैं और निश्चित तौर पर अगर इन चीज़ों को जल्दी ही रोका ना गया तो कांग्रेस पार्टी और मुखर आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलाएगी। जो चली हुई तनाजनी उसमें क्या आप प्रदेश अध्यक्ष में कोई तनी चुनी नहीं चली है, माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित नेता हमारे और हमारी कोई तनातनी नहीं, हमारा काम दोनों का हमारा को जो जिम्मेवारी मिली है कांग्रेस पार्टी को चुका है। ये कभी अगर कोई अखबार की स्टेटमेंट को रोड़ के पेश कर दी जाती है तो वो कार्यकर्ताओं की भावना ना समझी जाए। भविष्य में इकट्ठे काम करेंगे क्या? अब तो इकट्ठे ही है, 99% कांग्रेस इकट्ठी है और इकट्ठे ही काम कर रहे हैं।
हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बैजदा से विजय कुमार की रिपोर्ट।